ओम नमो लोय सर्वत्रकावर्ति अरियन्ताणम् ओम नमो लोय सर्वत्रकावर्ति सिद्धाणम् ओम नमो लोय सर्वत्रकावर्ति आयाणम् ओम नमो लोय सर्वत्रकावर्ति वज्जाणम् ओम नमो लोय सर्वत्रकावर्ति श्रावणम् ओम ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्यो ॐ शुद्धात्माने नमः So, today is today we are going to do the Uttam Satya Dharma. कौन सा दिन है आज? पांचवा दिन. So, दस धर्म का नाम निमिता बोलेगी. दस धर्म का नाम मैंने बोला परीक्षा हो जाए. बहुत बढ़िया. ग्रेट. आर्ज सत्य संयम तप उत्तम त्याग उत्तम आकिंचन्य उत्तम ब्रह्मचर्य. तो उत्तम सत्य की बात आती है. सो उत्तम सत्य में क्या होगा? उत्तम सत्य में कैसा है? सत्य बोलना बस इतना ही है. तो इसमें बहुत गहन की बात है. जैसे हम बोलते भी सत्य बोलना, मैं सत्य बोलता हूं, तू काला है, तू लंगड़ा है, ऐसा बोले तो सत्य ही है ना. जो काला है उसको मैंने काला बोला तो सत्य हुआ कि नहीं? जो लंगड़ा है उसको मैंने लंगड़ा बोला तो सत्य हुआ कि नहीं? तो क्या उसको हम सत्य कहेंगे? क्या उसको हम सत्य धर्म कहेंगे? तो सत्य धर्म बताता है कि तुझे समझना पड़ेगा कि सत्य धर्म क्या है. सच्ची बात जो समझ में आ गई तो कोई भी हर्जा नहीं रहेगा. समझ में आ जाएगी कि किसको सत्य कहते हैं, किसको असत्य कहते हैं, किस तरह से मुझे बोलना चाहिए, किस तरह से मुझे सोचना चाहिए, किस तरह से मेरा वर्तन होना चाहिए. तो ये सब इधर आएगा. तो देखते हैं किस तरह से आता है. जैसे कल हमने देखा था, इस तरह से पहले सत्य का काइंड ऑफ रेगुलर वर्नाक्युलर वर्ल्डली डेफिनेशन जो सत्य की होती है वो लेके बाद में आचार्य भगवान क्या कहने चाहते हैं, चाहते हैं दस धर्म में सत्य का सच्चा स्वरूप क्या है, तो वो हमको समझना पड़ेगा तो यथार्थ रहेगा. क्योंकि ऐसे तो ऐसे हमने बोला ना कि भाई सत्य बोल दिया मैंने, तो वो कटु सत्य है, वो सत्य नहीं कहलाएगा. किसी को कोई कोई लंगड़ा है, मैंने लंगड़ा बोला तो उसकी भावना को मैंने हर्ट किया है, तो वो सत्य धर्म में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू सत्य बोल और किसी की भावना को ठोस लगे. तो वो हमको ध्यान से रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा. तो अभी देखते आगे क्या आता है. तो सत्य बोलना या तो झूठ नहीं बोलना, उसका नाम सत्य धर्म होना चाहिए. बराबर, मैं सत्य बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो वो सत्य धर्म हुआ कि नहीं? हाँ, मैं सत्य, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो कभी असत्य नहीं बोलता है, तो इस तरह से मैं भी सत्य बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो क्या वो बराबर सच्ची बात है? तो देखते हैं आगे आगे. नहीं है तो क्यों नहीं है? किसे बोला नहीं है? हाँ तो बोला क्यों, क्यों नहीं है? बराबर है. मिथ्यात्व जो है तो मिथ्यात्व में क्या होता है? मिथ्यात्व यानी कि क्या? जिसको पूछो उसको, तेरी बात नहीं है, वही उसकी बात है. मिथ्यात्व को तू क्या समझता है? इट्स ओके. देखो, कोई सच्चा नहीं जानता है, कोई उल्टा नहीं जानता है. जो कुछ आप जानते हो बराबर ही जानते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग. तो मिथ्यात्व यानी कि तू क्या जानता है, ये सब जानते हैं क्योंकि हर रोज क्लास में बैठते हैं. अच्छा चलो,
तो मिथ्यात्व क्या है मुझे पता नहीं है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुझे इतना तो मालूम है कि मुझे पता नहीं है। कैसे इतने बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं मगर दिखा करते नहीं नहीं मैं जानता हूं तो नहीं जानता हूं। अच्छा तो कौन मिथ्यात्व कौन डिफाइन करेंगे यहाँ से बच्चों में से मिथ्यात्व के? हाँ झूठी मान्यता मिथ्यात्व यानी कि मिथ्या मान्यता मिथ्यात्व मिथ्या मान्यता त्व यानी कि साथ में होना त्व यानी कि साथ में होना मिथ्यात्व जैसे तत्व बोलते हैं ना तत् और त्व तत् यानी कि होना ऐसा ही होना तो मिथ्या मिथ्या मीन्स झूठी मान्यता होना उसका नाम मिथ्यात्व। तो कौन सी झूठी मान्यता हुई यहाँ पर मेरे में कौन सी झूठी मान्यता है कि मैं कृष्ण को नहीं मानता हूं महावीर को मानता हूं तो मेरी सच्ची मान्यता हुई कि नहीं? महावीर को मानता हूं मैं वो मंदिर में नहीं जाता हूं मैं ये मंदिर में ही आता हूं तो मेरी मान्यता सच्ची हुई कि नहीं? मेरे महावीर के प्रति मेरी सच्ची मान्यता हुई कि नहीं? यानी कि देव यानी कि अरियन प्रभु अरियन भगवान उसके प्रति मेरी सच्ची मान्यता हुई कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ बराबर। तो जैसे उसने बोला तेरा आप सो या आई फॉरगॉट योर नेम अनिल ने जैसे बोला कि झूठी मान्यता तो झूठी मान्यता वो किसी को मैं मानता हूं किसी को नहीं उसको नहीं बोलेंगे। जो मेरे साथ अनादि से मेरे साथ में संबंध में रहता है जो मेरा नहीं है उसको मैं मेरा मानता हूं उसको हम मिथ्यात्व कहेंगे। तो ऐसा ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे साथ अनादि काल से रहती है मगर मेरी नहीं है? कौन है? मेरी आत्मा तो मैं हूं ना आत्मा शरीर। तो शरीर मेरे साथ अनादि काल से मेरे साथ में रहता है। निगोद में एक शरीर था वो निकल गया एक इंद्री का शरीर हुआ वो निकल गया दो इंद्री तेरह इंद्री चौदह इंद्री पंचेंद्री ये सब अलग 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 शरीर मगर शरीर कोट अनकोट शरीर तो मेरा मेरे साथ अनादि से है मगर शरीर उद्गल है शरीर में ज्ञान नहीं है शरीर अजीव है और उसको मैं मेरा मानू। आज दिलीप भाई ने एक एक्स्ट्रा ज्यादा पूजा लेती हो ली हो लिया होता तो सब बोलते अरे क्या है उनको बस ऐसा ही चलाते हैं बस लंबा लंबा चलाते हैं सबको भूख लगी है खाल में नहीं रखते हैं क्यों ऐसा करते हैं क्यों किसको भूख लगी? आत्मा को लगी ना। तो शरीर को लगी तो आत्मा को क्या हुआ? भूख किसको लगी? शरीर को लगी ना। तो आत्मा को क्या है तेरा? तू कितने कितना टाइम से खाता है यानी कि अनादि से मैं खाता आया हूं बराबर तो मेरा आत्मा तो रुष्ट पुष्ट हो गया। आई हैव टू पुट आत्मा ऑन डाइटिंग नाउ राइट। तो ऐसा तो कभी नहीं किया क्योंकि शरीर को भूख लगी है शरीर को खाना चाहिए मुझे नहीं चाहिए मैं तो आत्मा हूं तो आत्मा मैं हूं ये शरीर है शरीर मेरा ऐसी जो मान्य वो मिथ्या मान्यता हुई उसको मिथ्यात्व कहेंगे। तो सत्य बोलना झूठ नहीं बोलना वो जो सत्य धर्म की बात आती है वो जैसे यहां से शब्द आया कि वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। उत्तम सत्य जब शब्द आएगा तो उत्तम का अर्थ है सम्यक्व मीन्स जैसा मेरा स्वरूप है ऐसा जानना मानना और इस तरह से वर्तन करना जैसा मैं आत्मा हूं ऐसा जानना मानना और आत्मा में रमण करना उसका नाम है सम्यक दर्शन। और जब सम्यक दर्शन होता है उसके साथ सत्य होता है तो उसको हम उत्तम सत्य कहेंगे। तो अभी आगे बढ़ते सत्य बोलना झूठ बोलना वो सत्य वो उत्तम सत्य की बात नहीं। गांधी जी ने क्या कहा था सत्य ही धर्म है ट्रूथ इज गॉड बराबर सत्य ही भगवान है और सत्य को ईश्वर के स्वरूप में मैंने देखा ऐसा गांधी जी ने बोला था। तो जो गांधी ने बोला तो गांधी जी ने बोला तो वो क्या सच्ची बात थी वो हमको
स्वाध्याय होने के बाद में हमको अपने जब घर जाते हैं तो हमको सोचना पड़ेगा कि वो सच्ची बात थी या लौकिक बात थी। उन्होंने जो बताई वो लौकिक बात थी, सच्ची बात नहीं थी। अभी आचार्यों ने आचार्यों की वाणी की सत्यता और वाणी के संयम पर विचार किया है। आचार्यों ने वाणी की सत्यता, यानी कि मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, और संयम, मेरा संयम में रखता हूं, सच्चा क्या है, मेरी जरूरत क्या है, इस तरह से संयम पर विचार किया है। मगर सत्य धर्म से वो सत्य वाणी को अलग रखा है। पहली स्लाइड में हमने बोला मैं सत्य बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता हूं, उसका नाम सत्य धर्म। तो आचार्य भगवान ने बोला कि सत्य जो वाणी में आता है और सत्य धर्म है, वो दोनों अलग अलग है। अरे क्यों ऐसा कॉम्प्लिकेट करते हो भैया, तो प्रकटाम हुआ है, खाना खाया है, नींद आती है और आप कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाते हो। मैंने नहीं बनाया, आचार्य भगवान ने लिखा है ऐसा। कि क्या लिखा है? कि जो वाणी की सत्यता है और जो सत्य धर्म है, वो दोनों अलग अलग है। इतना कर अभी हम आगे बढ़ते हैं कि क्या बोल उसको अर्थ क्या है। चार डेफिनेशन आएगी यहां पर। सत्य अणुव्रत, सत्य अणुव्रत कौन मुझे बताएगा, सत्य अणुव्रत क्या है? बोलना पड़ेगा भैया, चलो। हाँ नहीं, अणुव्रत, व्रत, श्रावक का कितने प्रकार के दो ना, महाव्रत और अणुव्रत। अब अणुव्रत में पांच में से एक सत्य है। पहले पांच व्रत कौन कौन से आते हैं? अहिंसा, हाँ इसे अहिंसा, बाद में अचोरी, पांच महाव्रत और 12 अणुव्रत। तो पहला कौन आएगा? अहिंसा आएगा। दूसरा अचोरी आपने बोला। तीसरा कौन सा आएगा? सत्य आएगा। चौथा कौन आएगा? ब्रह्मचर्य आएगा। पांचवा कौन आएगा? अपरिग्रह आएगा। तो पांच का नाम बोलो फिर से। अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बराबर, ये पांच व्रत है, पांच व्रत है। वो पांच व्रत को दो में बांटा गया है, अणुव्रत, महाव्रत। चोरी नहीं करना, वो अचोरी, चोरी नहीं करना, अचोरी। तो पांच, जो पांच व्रत है उनको महाव्रत में डिवाइड किया, महाव्रत और अणुव्रत ऐसे दो में डिवाइड किया। अणुव्रत मीन्स पार्शियल व्रत है, मगर पार्शियल व्रत है। महाव्रत कंप्लीट व्रत है। तो पार्शियल पांच व्रत, कंप्लीट पांच व्रत किसको किसको होते, कौन कौन से जीव को ऐसा होता है? पहले तो अणुव्रत यानी कि पार्शियल व्रत, महाव्रत मानी कंप्लीट व्रत। मुनि को, छठे सातवें गुणस्थानक वर्ती मुनिराज को सत्य पांच महाव्रत होते हैं, और पंचम गुणस्थानक वर्ती श्रावक को पांच अणुव्रत होते हैं। जैसे व्रत की बात, पांच अणुव्रत होते हैं। तो श्रावक को अणुव्रत और मुनि को महाव्रत, तो उसमें फर्क क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। बराबर, तो श्रावक के अणुव्रत यानी कि पार्शियल व्रत, यानी कि अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचोरी अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। मुनिराज को अहिंसा, सत्य, अचोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, महाव्रत के नाम से आएगा। अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत यानी कि शास्त्र में शब्द आता है छे काय की हिंसा, छे काय की हिंसा शब्द आता है ना, षटकाय की हिंसा का शब्द आता है ना। तो षटकाय की हिंसा का अर्थ कौन करेगा? षटकाय यानी कि क्या क्या, छे काय के जीव कौन कौन से होते हैं? हाँ, अग्नि, वायु, वनस्पति, पृथ्वी,
जल, जल काय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, पृथ्वीकाय, उनको स्थावर जीव कहा, पांच, और छठा त्रस जीव। त्रस जीव में दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव आएंगे, तो वो जो जो अमी 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 बाय नहीं है, वो अलसे को क्या बोलते हैं, दो इंद्रिय वाला, जो जो वर्म्स होते हैं, टैप वर्म, ऐसे वर्म जो होते हैं, तो वो अपनी मर्जी से चल सकते हैं। तो वर्म्स है, मक्खी है, चींटी है, आप भ्रमर है, बंदर है, हम मनुष्य है, नारकी का जीव है, देव का जीव है, अब आप भैंस है, गाय है, ये सब को त्रस में लगाएंगे, पांच स्थावर और एक छठा त्रस, बराबर। तो अहिंसा अणुव्रत यानी कि, ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है मगर अभी चलना पड़े, उसमें लेने पड़ गए, अहिंसा अणुव्रत यानी कि श्रावक को होता है, यानी कि शास्त्र में कहा कि तू श्रावक है तो तू त्रस काय की हिंसा मत करना। दो इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, अच्छा खाने के टाइम पर किसने बोला कि ये ले लो, ये द्विदल नहीं है, किसने बोला था, तुमने बोला, किसने बोला था, किसने बोला था ये द्विदल नहीं, द्विदल यानी कि क्या, कि जो दही और पल्स और मुंह की सलाइवा तीन मिक्स होते हैं, तो त्रस काय की उत्पत्ति वहां होती है, स्थावर की नहीं, त्रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे त्रस जीवों की हिंसा नहीं करना, वो श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक को गृहस्थी चलाना है तो पानी का उपयोग करना पड़ता है, वनस्पति का उपयोग करना पड़ता है, एयर कंडीशन का या तो फैन का उपयोग करना पड़ता है, पृथ्वी काय का उपयोग करना पड़ता है घर बनाने के लिए, और इस तरह से पांचों पांच एकेंद्रीय जीव के जो जो जो, जो एकेंद्रीय जीव वाले उसको उसको यूज करना पड़ता है। तो वहां शास्त्र बोला गया तू त्रस काय की हिंसा मत करना, और स्थावर का जो यूज है वो भी जितना हो बने बन सके इतना कम करना। क्या हुआ, अनुकंपा और दया के साथ, दया के साथ, यानी कि हम घर से निकले तो एसी बंद नहीं किया, एसी चालू रहा, तो क्यों करने की जरूरत है, हम क्यों बंद नहीं कर सकते हैं, या तो चेंज क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना वायु कह के जीव की हिंसा होती है। शावर में गए, कितनी दफा शावर लगेगा आपको, जब तक हॉट वाटर टैंक खाली ना हो जाए तब तक शावर में से बाहर निकलना नहीं, बराबर, ऐसा करता है तू, नहीं ना, अच्छी बात, हाँ, तो यानी कि जितना पानी की जरूरत है तुझे स्नान करने के उतना कर। देश में क्या था, बकेट थी, बकेट में भी एट द एंड थोड़ा सा पानी बचता था, वो भी लास्ट पर लगा देते थे, कितना अच्छी तरह स्नान होता था। और यहाँ तो अभी तो चालू कर दिया और गाना चालू कर दिया, क्या हो गया मालूम नहीं, 10-15। तो मुझे वहां पर ख्याल रखने का है कि यत्न रखने का है कि उसकी जितनी जरूरत है ऐसा इतना रखना, बराबर। तो वो पांच एकेंद्रीय जीव की हिंसा को कम करना, मगर दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय की हिंसा तो मत करना, उसका नाम अहिंसा अणुव्रत। और मुनि महाराज को अहिंसा महाव्रत, पांचे पांच एकेंद्रीय जीव और त्रस त्रस, किसी की हिंसा उसको पॉसिबल नहीं है, उसको अलाव नहीं है। इसलिए मुनिराज स्नान नहीं करते हैं, मुनिराज दंत धोवन नहीं करते हैं, मुनिराज खड़े खड़े एक टाइम भी खाना आहार लेके निकल जाते हैं, मुनिराज कहते नहीं कि मेरे लिए ये खाना बनाओ, जो कुछ है वो लेके निकल गए, वो एयर कंडीशन नहीं रखते हैं, वो जमीन पर लेटते हैं। तो वो उनको सभी जीवों की हिंसा अलाव नहीं है, तो वो महाव्रत होगा, अहिंसा महाव्रत होगा। और चोरी में क्या आएगा, यानी कि मैं तेरे घर पर आया और खाना अच्छा खाना बनाया, मैंने खाया और वहां पर टूथपिक पड़ी है, तो मैंने
टूथपिक तो यूज करेंगे, तो मैंने ले लिया और मेरे दांत में से यूज करने लगा। श्रावक को अलाव है, साधु ऐसा नहीं कर सकते, उनको पूछना पड़ेगा कि मैं ये लू, नहीं लिया तो उनको चोरी का दोष लगेगा, तो वो महाव्रत वहां पर हो गया। ब्रह्मचर्य में क्या आएगा, अणुव्रत में स्वदारा संतोष, अपनी पत्नी के साथ रहना वो स्वदारा संतोष। मुनिराज को कोई भी स्त्री किसी के साथ उनका संबंध नहीं हो, तो वहां महाव्रत हो गया उनका। इस तरह से पांच अणुव्रत पांच महाव्रत, तो सत्य अणुव्रत वहां पर आता है। सत्य अणुव्रत में भी क्या होता है, मुनिराज श्रावक अहिंसा को प्रोटेक्शन करने के लिए जो झूठ बोले तो वो अलाव है। स्टैंडर्ड एग्जांपल आता है शास्त्र में, एक आदमी खड़ा है, यहां से एक हिरण भाग के गया है और पीछे एक दो मिनट के बाद में एक शिकारी बोला कि कहां गया हिरण, तो जो सत्य बोलता तो हिरण की हिंसा होती, तो उसने बोला इस तरफ गए, झूठ बोला। अहिंसा व्रत के पालन के लिए झूठ बोला तो वो सत्य ही कहलाएगा। मगर मुनिराज को, जब मुनिराज वहां पर खड़े हैं, वो बोलेगा कि कहां गया हीरा, मुझे मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तो मार सकते हैं। वो सत्य महाव्रत का पालन वहां पर हुआ। तो ख्याल में आ गया, अणुव्रत क्या है, महाव्रत क्या है, इस तरह से। तो सत्य अणुव्रत की बात आती है, सत्य की बात करते हैं, सत्य अणुव्रत सत्य महाव्रत दोनों हमको समझ में आ गया। अभी भाषा समिति भी आती है, पांच प्रकार की समिति मुनिराज को होती है, भाषा समिति, इरिया समिति, भाषा समिति, ऐसा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रत्य, कौन सा प्लास वाला, प्रत्या प्रतीक्षापन, प्रतीक्षापन। तो ये पांच समिति आती है। तो भाषा समिति में क्या आता है कि हित प्रीत मीत वचन बोलना, क्या बोलना, हित हितकारी, मीत मीठा मीठा वचन बोला, और प्रीत जिसको सामने वाले को भी प्रिय लगे। तू लंगड़ा है ऐसा मैं नहीं बोल सकता, अरे यार तेरी तुझे कुछ प्रॉब्लम है, आई एम फीलिंग सॉरी अबाउट इट, तो उसको भी अच्छा लगेगा कि भाई मेरे पर किसी को अच्छा, कोई किसी ने लंगड़ा नहीं बोला मुझे, कोई किसी कोई काला है तो उसको क्या कह सकते हैं हम, अरे तू तो मेरा कृष्ण कन्हैया है, तो वो तो बोला तो वही ना मैंने कि काला तू है ना, मगर प्रीत प्रीतमय वचन हुआ कि अच्छी तरह से आपने बोला। तो कम बोला, हित प्रीत और मीत, यस जितना चाहे इतने बोले। तो वो भाषा समिति आएगी जिसमें बोलने में कंट्रोल, और लास्ट में आएगी वचन गुप्ति। मुनिराज को मन गुप्ती है, वचन गुप्ती है, काय गुप्ती है, तो ये वचन सत्य की बात चलती है तो वचन गुप्ती आती है मुनिराज को, तो वो कभी भी बोलेगे नहीं, जब बोलना है और जब फोर्स होता है तभी ही कुछ बोलेंगे, थोड़ा सा बोल के निकल जाएंगे। तो इस तरह से सत्य वचन में ये चार का एनालिसिस हमको करना पड़ेगा कि ये सत्य धर्म में आता है कि नहीं आता है, बराबर भी ऐड करना थोड़ा सा कुछ भी आता है। हाँ, अभी तो सत्य अणुव्रत क्या होता है, मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना। कोई कोई हम बोलते कह रही वो तो झूठा ही है, कोई कभी सत्य नहीं बोलता है क्योंकि वो हमेशा झूठ ही बोलता है, ऐसा नहीं, मैं स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलता हूं बस, तो वो मेरा सत्य अणुव्रत हुआ, बराबर। एक स्टोरी है ना कि वो गोल्डन टाइम्स में तो जो अगर जेल हो और कोर्ट में अगर वो गवाही देता है तो इट वॉज ऑलवेज टेकन एज ट्रूथ, क्योंकि उनको मालूम था कि जैन लोग झूठ नहीं बोले, झूठी गवाही नहीं दी जाती थी, तो ऐसी रेपुटेशन थी एट टाइम कि वी वर कंसिडर्ड एब्सोल्युटली ट्रूथ एट द विटनेस स्टैंड।
ने उसका जो आपने बोला ना, तो श्री कांजी स्वामी को जब वो 17 साल की उम्र पर वो बिजनेस कर रहे थे, एक गांव था उसका नाम पालेश, यानी बड़ौदा और भरूच के बीच में गुजरात में आता है जहां मेरा जन्म हुआ है, वहां वो बिजनेस कर रहे थे। तो एक दिन एक आदमी ने अफीन को बेचने के लिए आया, तो उन्होंने बोला भाई देसा एक कैफी पदार्थ का हम बिजनेस नहीं करते हैं। तो वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने किसी तरह से एक लॉ सूट लगाया उनके पर, तो बड़ौदा कोर्ट में उनको जाना पड़ा। बड़ौदा कोर्ट में गए तो जज ने बोला कि सत्य क्या है बताओ। तो बोला कि देखो भैया हम तो जैनी है, सत्य ये बात है कि उसने जो कुछ किया हमने उसको बिजनेस नहीं करना दिया, वो अफीन का बिजनेस करने की बात करता था हमने ना बोल दिया, तो इसने ये केस लगाया है, आपको जो अच्छा लगे करो। तो जज ने भी उसको बोला कि आप जो बोल रहे सत्य है, और वो केस निकाल दिया गया। तो जैसे आपने बोला कि जैनी है तो जैनी सत्य ही बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो इस तरह से मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना, वो हमारी बात, वो महाभारत में आता है ना कि अश्वत्थामा मर गया, वो था है ना कि वो घोड़ा है कि आदमी है वो मैं नहीं बोलने वाला हूं, तो वो तो झूठ सच्ची तरह से झूठ हो गया, वो ऐसा कुछ नरोवा कुंजरोवा नहीं था, तो वो झूठ था। मगर सच्चे जैन तरीके से तो मैं स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलने वाला हूं। अभी मुझे डिसाइड करने का स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, वो मेरी मर्जी है, मेरा ख्याल है, मैं कितना एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इसमें यूं रखता यूं ध्यान रखना आपको कि जो छोटे बच्चों को रात को सोते वक्त एक स्टोरी सुनानी चाहिए, तो झूठ की, चोरी की, हिंसा की, उस तरह की छोटी छोटी अपने मन से बना लो स्टोरी, लेकिन क्या 2-4, 10 बार सेम 5 तो मत उसकी स्टोरियां रोज अपने को बच्चों को सोने के पहले सुनानी चाहिए, तो उनके संस्कार बनेंगे। अपन धर्म एक दिन में नहीं सिखा सकते, और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको शास्त्र की स्टोरी आनी चाहिए। तो हाँ, तो I was thinking something else, I lost my track. Okay, anyway, तो सत्य अनुव्रत में मुख्य रूप से स्थूल झूठ नहीं बोलना, उसका नाम सत्य अनुव्रत। सत्य महाव्रत में क्या किया मुनिराज को है, सूक्ष्म से भी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य ही बोलना। मुनिराज को कोई भी परिस्थिति में झूठ नहीं कहेंगे, जो कुछ कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, तो सत्य महाव्रत हुआ। अभी भाषा समिति में, भाषा समिति कंट्रोल होगा, भाषा समिति सत्य भी कठोर अप्रिय असमित न बोलकर हित मित एवं प्रिय वचन बोलते हैं, जो बोलना होता है तो ही बोलेंगे, तो हित मित प्रिय वचन बोलेंगे, मेरे लाभ के कारण का वचन बोलेंगे, मेरी आत्मा की सच्ची क्या, सच्चा क्या हो सकता है वो ही बोलेंगे, वो ऐसा कुछ आलतू फालतू बातें नहीं करेंगे, तेरा बिजनेस क्या चलता है, तेरे बैंक में कैसा कितना बैलेंस है। मैं एक तो कहा था, मुझे एक श्वेतांबर साधु मिले थे, तो मुझे मालूम नहीं, उन्होंने पूछा था ने मैंने जवाब दिया था कि नहीं मालूम नहीं कितने साल पहले, तो 2-3 years पहले पे आ गया, तो बोला कि अरे अभी क्या है तेरे पास 10 करोड़ रुपए तो हो गए, तो आप आ जाए। 10 करोड़ रुपए मेरे पास कहां से आए, ही ऑलरेडी कैलकुलेटेड एवरीथिंग, नहीं पूरी इंटरेस्ट रेट एंड एवरीथिंग, ऐसी फालतू बात मुनिराज नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो बात करेंगे वो अप्रिय, वो मेरी भावना क्या आता है, अप्रिय कटु कठोर नहीं कोई मुख से कहा करे, मेरी भावना आता है लास्ट स्टांजा में, तो ये मेरा होना चाहिए। और अभी वचन गुप्ति में बोलना ही नहीं, मौन रखना, कुछ हो रहा है मैं इंटरेस्ट लू तब बोलने की इच्छा होगी, मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मुझे क्या बोलना। तो इस तरह से चारों चार जो वचन के साथ चारों का संबंध है उसको ध्यान में रख के उसको हम सत्य अनुव्रत कह सकते हैं, तो उसका भी जवाब देने का है। तो सत्य बोलना ही
या तो असत्य नहीं बोलना ही सत्य धर्म होता तो, सत्य बोलना या तो असत्य नहीं बोलना जो वो ही सत्य धर्म होता तो सिद्ध भगवान को कितना शरीर है, सिद्ध भगवान कितनी वाणी है, तो सिद्ध भगवान को सत्य धर्म तो है, उत्तम सत्य है, मगर मगर उनको वाणी नहीं है, शरीर नहीं है, तो सिद्ध भगवान को सत्य धर्म होगा होगा? तो ये फर्स्ट बुलेट तो रॉन्ग हो जाएगी। जो फर्स्ट बुलेट को सच्चा माना तो सेकंड बुलेट रॉन्ग हो जाएगी। सेकंड बुलेट रॉन्ग नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान तो सत्य धर्म ही है। वो संपूर्ण रूप से सत्य धर्म का प्रदर्शन देखना तो सिद्ध भगवान है, वो हमको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बाद में तीरियंज में जिसको बोलने की कैपेसिटी नहीं है, जो तीरियंज बोल नहीं सकता है तो मौन रहते हैं, तो उनको तो सत्य धर्म हो गया ना। जो सत्य धर्म यानी कि सत्य बोलना असत्य नहीं बोलना, तो सिद्ध भगवान को सत्य धर्म नहीं है और तीरियंज को सत्य धर्म है, तो नहीं, ये तो बात नहीं हो सकती। तो ये भी इस तरह से ये आर्ग्यूमेंट सी, सत्य बोलना या तो सत्य नहीं बोलना वो सत्य धर्म हो नहीं सकता। अभी आगे बढ़ते हैं। वचन को सत्य एवं संयमित रखने पर इस चार स्थानों पर प्रतिबंध दिया है। वो चार जो बोले ने, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ति, वो चार पर वचन को सत्य एवं संयमित रखने के लिए, संयमित और सत्य रखने के लिए इस चार स्थानों पर प्रतिबंध रखा गया है। तो क्या है? सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और क्या बोले, कैसे बोले, उसको शास्त्र में बताया गया है। तू क्या, किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से हित प्रीत मित वचन बोलना चाहिए, वो शास्त्र में हमको बताया गया। वो अस्थि से बताया गया, अस्थि से यानी कि पॉजिटिव एस्पेक्ट से बताया गया। और वचन गुप्ति वो नास्ति से बताया गया कि बोले ही नहीं, वो रूप में नास्ति से बता कि वचन गुप्ति। अस्थि नास्ति पहले दिन हमने बोला था ना, अस्थि नास्ति से संबंध हो जाए वो जैन धर्म में, अस्थि नास्ति ने कि स्यादवाद से सप्त भंगी से शब्द रचना होती है। तो यहाँ पर भी अस्थि नास्ति का संबंध लेकर आचार्य भगवान ने बोला कि सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ति को अस्थि नास्ति से समझाकर हम सत्य एवं संयमित वाणी को रखने के लिए बात करते हैं। ये अभी वाणी की बात हो रही है, अभी वाणी की बात हो रही है, जो हमारा पहला स्टेप है जो हमको करना पड़ेगा। हाँ बराबर बराबर। प्रश्न क्या है कि समोसरण में भगवान बैठे हैं और समोसरण में भगवान बैठकर ओम दिव्य ध्वनि देते हैं। दिव्य ध्वनि क्या बोलते हैं? प्रभु जैसे हम हम बैठकर बात करते हैं ऐसी बात नहीं करते हैं। समोसरण में ऐसी प्रवचन नहीं होते हैं। समोसरण में प्रभु बैठे हैं तो उनके सारे शरीर में से एक ओमकार ध्वनि का स्वर की उत्पत्ति होगी। ओमकार ध्वनि का स्वर की उत्पत्ति होगी। प्रभु अपने ध्यान में निमग्न है, अपने अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है, अपने केवल ज्ञान में मस्त है। वो वाणी अपने आप से छूटती है, क्योंकि वाणी पुद्गल की है। पुद्गल की है तो वो पुद्गल की रचना है, पुद्गल का स्वरूप है। उसमें भगवान ने कोई ऐसा भाव नहीं कि मैं बोलूं, शिष्यगण बैठे हैं, मैं बोलूं, किसी का प्रश्न का उत्तर दूं, ऐसा नहीं होता है भगवान की वाणी में। भगवान की वाणी को दिव्य ध्वनि बोला और ओमकार ध्वनि बोला, और ओम ध्वनि होता है, सारे शरीर में से आता है। मगर जब रूटीनली हम बोले कि भगवान की वाणी में ऐसा आया, यानी कि भगवान की मुख से वाणी में, मुख से वाणी नहीं होती उनकी, उनको अभी उसका भाव नहीं होता कि मैं बोलूं,
तो भगवान को ऐसा तो वाणी अपने आप से निकलती है, बराबर। तो भक्ति का अर्थ ऐसे भी है श्रावकों के लिए कि जिस वाणी से राग द्वेष मोह रूपी कर्म ना आए, आत्मा की हिंसा का प्रसंग ना बने, वो भी वचन गुप्ति में। और वचन गुप्ति में तेरा प्रश्न का आंसर यह हो सकता है कि वचन गुप्ति में प्रभु बोलते ही नहीं, पर जब बोलना है तो जितना जरूरी है वो ही बोलेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला एक्सेप्ट फॉर उनके शरीर में से ओमकार ध्वनि निकला, बस ओमकार ध्वनि निकला। ओमकार ध्वनि निकलने से 11 गणधर महावीर के बैठे हैं गौतम स्वामी के साथ, इंद्र बुद्धि के साथ, वो गौतम गणधर ने ओमकार ध्वनि में से अंतर मुहूर्त में द्वादशांगी की रचना कर दी, 12 अंगों की रचना कर दी एक ओम ध्वनि में से। एक ओम ध्वनि में कितना पावर है कि 12 अंग की रचना हुई। 12 अंग यानी कि क्या, हमने जो 3 दिन पहले गया था कि आचार अंग में 18,000 पद है और एक एक पद में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है, वो आचार अंग हुआ। बाद में जो दूसरा है, तीसरा है, चौथा, वो डबल 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 साइज का है। तो कितनी कितना शास्त्र बड़ा हुआ 12 अंग में। तो ये सब एक ओम का ध्वनि आने से तो भगवान को 12 अंग बोलना नहीं पड़ा, वचन गुप्ति है, एक ओम ध्वनि ही निकला तो इससे 12 अंग की रचना हो गई। तो इसको वचन गुप्ति इस तरह समझ ले सकते हैं। हर समोचरण में ओंकार ध्वनि होती है और पैलेट के वाइब्रेशंस से ऐसा लिखा है शास्त्र में कि जितने वहां पर बैठे हुए हैं समोचरण में उनको अपनी अपनी भाषा में वो ट्रांसलेट होके सुनाई दे। ये 18 मूल भाषा और 700 सेकेंडरी लैंग्वेज में सभी समझ सकते हैं। मैं अपनी जितनी पात्रता है मैं इतना समझ सकता हूँ। गणधर भगवान को परफेक्ट शिष्य है तो वो सारे सारे 12 अंग को जान जाते हैं और उसकी रचना कर देते हैं। और हम कितनी बार जाके आए समोसरण में, कितनी बार तो गई है, कभी गई है? इन्फिनिट, वो इन्फिनिट तू गई नहीं, साथ में नहीं ले गए थे, वो अकेला ही जाता है, वो ऐसा ही स्वभाव है उसका, अकेला जाने का। राइट पर जाता है वो भी कार लेके भाग जाता है, तुझे नहीं ले जाता है। हम अनंत बार समोस, हाँ उसका ठीक है, अकेला आया है, अकेला जाने का है। तो समोसरण में हम अनंत बार गए, तो अनंत बार गए तो गंधर्व भगवान ने एक दफा एक ओमकार ध्वनि सुनने के बाद में 12 अंक की रचना की और हम ऐसे के ऐसे ही आ गए। तो क्या प्रॉब्लम था, भगवान की वाणी में प्रॉब्लम था? नहीं, मेरा एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम था। पानी यहाँ पर टेबल पर गिरा है, आपने पार्चमेंट पेपर लगाया या तो आपने स्पंज लगाया, क्या होगा, वो पार्चमेंट पेपर कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा और स्पंज सभी पानी को एब्जॉर्ब कर देगा, यानी कि उसकी अपनी पात्रता कैसी है वो वहां पर ख्याल में आएगा। अब भगवान के समर्थन में ऐसे ही आगे नहीं समझ पाया। अरे हम तो इतने मंदिर में आके बैठे हैं, वो मरीची तो भगवान के समोसरण के बाहर बैठ के बोलता है कि वहां पर भी धर्म है, यहाँ पर भी धर्म है, इधर आ जाओ। इस तरह से घोर मिथ्यात्व का पाप उन्होंने किया। ऐसा तो हम पाप नहीं करते हैं, दादा को दिया, भगवान के सामने, दादा के सामने उन्होंने ऐसा किया। तो जो मरीचि महावीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूं, मैं सिद्ध क्यों नहीं बन सकता हूं? हो सकता हूं, जरूर हो सकता हूं और होने वाला ही हूं। बराबर, आगे बढ़ते हैं। सत्य अनुव्रत किसको होता है? पंचम गुण स्थानकवर्ती श्रावक को होता है। देखो पंचम गुण स्थानकवर्ती श्रावक, चतुर्गुण स्थानक यानी कि सम्यक दर्शन, पंचम गुण स्थानक श्रावक
जो 11 प्रतिमा को लेके आगे बढ़ के 11 प्रतिमा के एंड में जो मुनिराज होते हैं, ऐसे श्रावक को सत्य अनुव्रत होते हैं। मुनि अवस्था होने के बाद में सत्य अनुव्रत का अंत होता है, क्योंकि अब वो सत्य महाव्रत में बदल गया। तो पॉइंट क्या है, सत्य अनुव्रत मेरे में आया जब मैं पंचम गुण स्थानक श्रावक हुआ तब, और मैं जब मुनि हुआ तो ये सत्य अनुव्रत का यहां पर एंड हो गया, यहां से चालू हुआ, यहां पर एंड हुआ। बराबर, जो चालू होता है, जो एंड होता है, वो परमानेंट नहीं है। बराबर, अच्छा इतना पॉइंट लेके अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पंचम गुण स्थान वृत्ति की बात हुई, अपनी बात क्या है, उसने क्या कहा कि पार्शल व्रत को अनुव्रत कहा, तो अब उसका लिटरल मीनिंग ले लो कि मैं पार्शियलिटी कर सकता हूँ सत्य के साथ, कि मुझे जितना सत्य बोलने की कैपेसिटी उतना व्रत ले लो, पार्शियलिटी के साथ ले लो, पार्शल कर लो। तो जरूरी नहीं कि आप पंचम गुण वृत्ति श्रावक हो तो ही सत्य अनुव्रत चालू करोगे, उसका अभ्यास अभी से चालू ही रहना चाहिए। तो पंचम गुण स्थानक हुआ तो मेरा वो चालू रहेगा, तो अभी मेरा अभ्यास चलता है। बाद में भाषा समिति और वचन गुप्ति किसको होती है, मुनिराज को होती है। भाषा समिति और वचन गुप्ति मुनिराज को होती है, यानी कि मैं मिथ्यात्व में पहले गुण स्थानक हूं, मुझे वो भाषा समिति गुप्ति नहीं है, चतुर्थ गुण स्थानक वर्ती को नहीं है, पंचम गुण स्थानक श्रावक को नहीं है, मुनिराज को है, 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 मगर कब तक रहेगी, जब तक केवल ज्ञान होता है तब तक रहेगी, बाद में वो भी एंड हो जाएगा। भाषा समिति और वचन गुप्ति का बिगिनिंग है, एंड है, जैसे अनुव्रत का बिगिनिंग है, एंड है, इस तरह से महाव्रत का भी बिगिनिंग है, एंड है। तो अनुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति मुनि और श्रावक को होती है, सिद्धों को और अविरत सम्यक दृष्टि को नहीं होती है, क्योंकि सिद्ध भगवान को तो सत्य उत्तम सत्य का ही प्रदर्शन हो गया है, तो उनको कोई महाव्रत अनुव्रत ऐसे नहीं होते हैं। हमको भी और अविरत चतुर्थ गुण स्थानक सम्यक दृष्टि को भी व्रत नहीं होते हैं, कंप्लीट व्रत नहीं होते हैं, तो ये सत्य अनुव्रत नहीं भी हो सकता है उनको, सम्यक दृष्टि है, नहीं भी हो सकता है उनको। तो ये क्या बताता है कि वाणी पुद्गल है और सत्य धर्म आत्मा का है। ये जब जो जो बात हमने बताई कि कहां से चालू हुई, कहां से खत्म हुई, यहां से चालू हुई, यहां खत्म हुई, तो जो बिगिनिंग है, जो एंड है, वो कभी सत्य नहीं हो सकता, यानी कि जो परमानेंट नहीं है उसको सत्य हम नहीं कह सकते हैं। तो वाणी पुद्गल है और सत्य धर्म तो आत्मा की बात है, तो मुझे आत्मा की बात बताओ। आपने अभी तक जो बताया वो सत्य वाणी की बात बताया, मगर वाणी की बात में अब सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ति ऐसा सब आ गए, मगर वो वाणी की बात, वाणी तो पुद्गल है। तो मेरे में क्या हुआ, मेरे मुझे अपने से ही उठाव लेने का है, मैं कौन हूं आत्मा, तो आत्मा में क्या हुआ, सत्य महाव्रत, सत्य उत्तम सत्य धर्म बोल आत्मा में क्या होता है, तो वो मुझे समझना है। ये वाणी की बात अभी छोड़ दो। हाँ, ये जरूरी है, अनुव्रत, महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ति, ये जरूरी है, मगर वो एंड नहीं है, वो मीन्स है मेरे लिए। आत्मा का धर्म आत्मा में रहता है, शरीर वाणी में नहीं रहता है। सत्य धर्म की संपूर्णता तो सिद्ध भगवान में है, मगर उनमें वाणी नहीं। संपूर्ण सत्य, उत्तम सत्य धर्म तो संपूर्ण रूप से सिद्ध भगवान में दिखाई देता है, मगर उनको वाणी नहीं होती है। तो वाणी का माध्यम जरूरी नहीं होता है, इसलिए निश्चय से सत्य वचन सत्य धर्म नहीं है। सत्य बोलना वो सत्य धर्म नहीं है, उसका ऐसा नहीं कि सत्य नहीं बोलना, आज से सत्य बोलना, मगर मान्यता में क्या है कि वो इससे मेरा सत्य धर्म हुआ, वो मेरी मान्यता में नहीं आना चाहिए।
अभी आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, क्या कहा है, अनुव्रत और महाव्रत आश्रव, उन्होंने अनुव्रत और महाव्रत को आश्रव अधिकार में लिया है। देखो अनुव्रत और महाव्रत जो एकदम बहुत जो इंपॉर्टेंट होते तो संवर और नियोजन अधिकार में लेते, उन्होंने आश्रव अधिकार में लिया। ये थोड़ा सा बारीक है, समझ में न आए तो डोंट वरी अबाउट इट, अभी उसका बहुत विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये, ये, ये जानने के लिए हमको गुण स्थानों को सब कुछ बहुत बहुत डिस्कशन करना पड़ेगा, मगर ये उन्होंने आश्रव अधिकार में लिया है, संवर निजर अधिकार में नहीं लिया है, बस इतना हमको समझना है। जो आश्रव बंध का कारण हो वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। जो आश्रव धर्म में अनुव्रत महाव्रत लिए तो आश्रव है, तो आश्रव और बंध वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकता है। आत्मा धर्म तो संवर निजरा मोक्ष है। मुक्ति समिति भी उत्तम सत्य धर्म नहीं है, ऐसा तो हमने बता दिया, आगे बोले थे हम। अनुव्रति और महाव्रति का सत्य बोलना, सत्य अनुव्रत और सत्य महाव्रत में जाता है। पहली बात क्या बोला, अनुव्रति और महाव्रति का सत्य बोलना, निराज का सत्य बोलना, हमारा सत्य बोलना, तो वो सत्य अनुव्रत और सत्य महाव्रत में आ जाएगा। बाद में हित प्रीत, हित मित प्रीत का वचन भाषा समिति में आ जाएगा, और नहीं बोलना वचन गुप्ति में आता है। तो चारों चार तो उन्होंने अपना स्थान ले लिया, तो वचन की कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो सत्य धर्म में एस्टैब्लिश कर सके, वो तो चारों में फिट हो गया। तो ऐसी कोई वचन की कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको हम सत्य धर्म में ले सके। अभी धीरे धीरे हम सत्य धर्म पर आते हैं। वास्तविक सत्य धर्म जो प्रकट हो गया तो अनंत काल रहता है। एक दफा सत्य धर्म प्रकट हो गया वो अनंत 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 काल निर्विघ्न रूप से विदाउट एनी स्टॉपेज वो चालू वही रहेगा, वो उसका कभी बंद नहीं होगा। जैसे मैं बोला अनुव्रत महाव्रत बंद होते हैं, भाषा समिति इरिया समिति उसका फाइनाइट एंड है, इसका फाइनाइट इंफिनिट एंड है, देयर इज नो एंड टू इट ना। अभी उत्तम क्षमाधि धर्म सिद्ध अवस्था में संपूर्ण रीत से हम देख सकते हैं, इस तरह से सत्य धर्म भी हम संपूर्ण से सिद्ध अवस्था में देख सकते हैं। अनुव्रत महाव्रत एक अवस्था में रहता है, फाइनाइट टाइम कहा ना, यहां श्रावक को अपने श्रावक काल तक अनुव्रत रहा, मुनि को मुनि टाइम पर महाव्रत रहा, मुनि को मुनि टाइम तक भाषा समिति वचन गुप्त रहे, वो फाइनाइट टाइम होगा। मगर जो सत्य धर्म है वो इन्फिनिट टाइम पर रहने वाला है, तो जो क्षणिक है उसे हम धर्म कैसे कह सकते हैं, ऐसा आचार्य भगवान ने हमारे सामने प्रश्न डाला है। जो क्षणिक है उसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं। अनुव्रत महाव्रत समिति गुप्ति एक पड़ाव है, गंतव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, अंतिम लक्ष्य नहीं, वो रास्ते में आएंगे, वो सब मेरे मैं सत्य नहीं बोलूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा। सत्य बोलना, सत्य बोलना वो सब कुछ कर, भाषा समिति और वचन गुप्ति वो सब करना, मगर वो मेरा मीन्स है, मेरा जाने के रास्ते में आते हैं, मगर वो एंड नहीं है। एंड तो मेरा क्या है, सत्य उत्तम सत्य धर्म है, अंतिम लक्ष्य सिद्ध दशा है मेरे लिए। अब सत्य धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है वो हम देखते हैं। ओके हाँ, जो हम समझ रहे हैं वो सत्य नहीं है। और आज की पूजा में भी जब हमने जो अर्घ सब लिए तो वो व्यवहार नहीं से सब वचन की बात आई थी वहां पर। जो सत्य धर्म उत्तम सत्य धर्म जो आत्मा का धर्म है वो गर्भित से वहां बताया गया था कि आप अभी सोचो, तो सोचने का हमको पंडित जी ने टेकचंद जी ने हमको वो होमवर्क दिया था कि तू सोच, मैं तो इतना देता हूं मगर इतना ही नहीं है, उससे ज्यादा है उस तुझे सोचना पड़ेगा। तो सत्य धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है, तो बोले कि द्रव्य का लक्षण सत्य है। तत्व सूत्र का कौन सा सूत्र है, सत द्रव्य लक्षणम
है ना, तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है सत द्रव्य लक्षण, यानी कि सत्य का सच्चा स्वरूप क्या, द्रव्य का लक्षण सत है। सत यानी कि क्या, सत शब्द बहुत आता है, सत सत का अर्थ क्या करेंगे, सत का अर्थ है वो उसका सत सपना, सतपना यानी कि बेसिकली होना होना। तो मैं जो इटर्नल है, जो कभी बदल नहीं सकता है, उसको हम सत कहेंगे। तो जिसका स्वभाव ही है, जैसा सोना का स्वभाव पीलापन है, तो वो कहां पर भी है, पीला है तो सोना है, सोना है तो पीला होना ही चाहिए, शुगर है तो स्वीट होना चाहिए, स्वीट है तो शुगर ही होना चाहिए। तो इस तरह से जो उसका लक्ष्य, जो उसका गुण है, वो सत यानी कि एग्जिस्टेंस, इटर्नल एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, अस्तित्व यानी कि अनंत अस्तित्व, अनादि से अनंत जो अस्तित्व मेरा रहता है। तो मेरे में मैं कौन हूं, आत्मा हूं। तो मैं कहां से आत्मा हूं, कब तक हूं, कब तक रहूंगा, अनंत। तो अनादि से अनंत जो मेरी उत्पत्ति नहीं, जो मेरा नाश नहीं होने वाला है, जो मैं हूं हूं हूं, उसका नाम सत। तो मैं सत के आधार से अनादि से अनंत काल जीने वाला हूं, सत यानी कि होना होना, उसका नाम सत। सत द्रव्य तो कोई भी द्रव्य हो तो उसका उसका लक्षण है सत। सत यानी कि एग्जिस्टेंस, होना, कहां से होना, अनादि से अनंत का। जीव का अनादि से अनंत, उद्गल का अनादि अनंत, धर्मास्ति का अधर्म का, आकाश काल का अनादि अनंत एग्जिस्टेंस है, उसको हम सत बोलेंगे। तो सत द्रव्य लक्षण तत्व सूत्र का है। आत्मा एक द्रव्य है, इसलिए आत्मा भी सत स्वभावी है, यानी कि होना बराबर। और सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से, अभी 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 थोड़ा विषय गहन होता है, सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली शांति स्वरूप वितरागी परिणति ही सत्य धर्म है। कौन को सत्य धर्म किसे कहेंगे, कि सत स्वभावी आत्मा जो इटर्नल सत्य, इटर्नल एग्जिस्टेंस वाला सोल है, तो वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली शांति स्वरूप वितराग परिणति, उसको हम सत्य धर्म कहेंगे। तो अभी सत्य धर्म की सच्ची बात यहां पर आई, जो बोलने की बात थी वो तो व्यवहार से बात की गई थी, वो यहाँ पर कोई लागू नहीं पड़ती है। आगे बताएगी कि जो जो वाणी की बात थी वो क्यों अच्छी, क्यों सत नहीं है, सच्चा नहीं है। सत के साथ लगा हुआ उत्तम शब्द सत शब्द समकित का साथ और मिथ्यात्व का अभाव दिखाता है, तो वो तो हमने कल से कल भी दिखा था। हाँ, अभी आत्मा का सत स्वरूप नहीं समझा, सत्य धर्म की उत्पत्ति संभव नहीं है। मैं आत्मा अनादि से अनंत जैसा हूं, ऐसा ही हूं, ऐसा ही हूं, कभी भी मेरे में कोई फेर पड़ा नहीं है, मैं आत्मा हूं बस। तो जब मैं आत्मा को जानता हूं, तभी ही मुझे सत्य धर्म की सच्ची समझ में आएगी। नहीं तो मैं, जैसे तूने बोला कि अभी तक तो हम बोलते हैं कि सत्य बोलना सत्य धर्म, सत्य बोलना सत्य धर्म, नहीं तभी तो मुझे समझ में आया कि सत्य धर्म की सच्चा स्वरूप क्या, मुझे आत्मा को समझना पड़ेगा। मिथ्यात्व का अभाव संकेत की प्राप्ति के लिए प्रयोजनभूत अनात्म वस्तुओं का ज्ञान मात्र अपेक्षित है। यानी कि देखो ये क्या है, फोन है, ये उद्गल है, उद्गल से मैं अलग, मेरा स्वभाव उद्गल स्वभाव ही नहीं है, मैं चैतन्य मात्र हूं, आनंद सहित हूं, ज्ञान मात्र हूं, नायक स्वरूपी हूं, उपयोग स्वरूपी हूं, मैं मेरा अस्तित्व ऐसा है, और ये पुद्गल है, पुद्गल मेरे से अलग है, ऐसा ज्ञान करना वो अपेक्षित ज्ञान हुआ, ऐसा ज्ञान हुआ वो अपेक्षित ज्ञान हुआ। यानी कि है ये पेपर है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप फ्रीवे पर कार चलाओ, कितनी कार आपके आगे पीछे आती है,
आपको क्या फर्क पड़ा? आपने देखा मगर क्या, कुछ नहीं, आपने कुछ इंटरेस्ट बताया नहीं, तो वो कार चली गई, आप अपने रास्ते पर चले गए, तो आपने उसमें, उससे अलग मैं हूं, इसलिए मेरा इंपोर्ट उसके साथ कोई नाता नहीं है, इसे जाना। अभी आत्मा वस्तु जो है उसको भी मैं जानता हूं, पर वस्तु को भी जानने की मेरी ताकत है, आत्मा को भी मैं जानता हूं। आत्मा को जानता हूं तो अनुभूति के साथ जानता हूं, पर वस्तु को है इतना ही जान, आत्मा को जाना तो अनुभूति के साथ अंदर से मुझे अतिंद्रिय आनंद की झलक आने लगी, वहां से मुझे आनंद आया, ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति हुई, और जैसा कभी नहीं होता अभी तक, अभी ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ, तो वह आत्मा वस्तु का ज्ञान अनुभूति के साथ था आवश्यक है। अनुभूति सेवा सम्यक आत्मज्ञान संभवित नहीं है, अनुभूति तो होना ही चाहिए, ये मुझे उसका ज्ञान हुआ, उसमें सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं, ये फोन है बस, ये पेपर है, ये टेबल है, उसके उसमें ले कुछ, मगर आत्मा का ज्ञान तो मुझे अनुभूति होना ही चाहिए, यानी कि सम्यक होना ही चाहिए। तो इस तरह से यहाँ सत्य धर्म के पास हम अभी एकदम निकट में आ रहे हैं, निश्चय से सत्य धर्म क्या नहीं है, अबे निश्चय से सत्य धर्म क्या नहीं है, तो बोला कि सत्य बोलना वो सत्य धर्म नहीं है, बराबर। बाद में सत्य जानना, देखो सत्य में ये जाना क्या जाना, ये वस्तु को जाना, मैंने सत्य रूप से जाना, तो वो तो ज्ञान गुण की पर्याय हुई, बराबर। अभी थोड़ा डिटेल में आएगा, सत्य मानना ये मेरे लिए काम का है, ये मेरे लिए काम का नहीं है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी, ऐसा मानना यानी कि मुझे मेरे आत्मा की अनुभूति के अंदर मुझे मान है, मुझे मानना है, श्रद्धा हुई है, तो वो श्रद्धा तो श्रद्धा गुण की पर्याय हो गई, जानना ज्ञान गुण की पर्याय, मानना श्रद्धा गुण की पर्याय, और सत्य धर्म क्या है, सत्य धर्म क्या है, सत्य चारित्र गुण की पर्याय है। देखो अभी आत्मा के अंदर आके हम बात करते हैं, तो चारित्र को, वो चारित्र की दशा है, तो जानना अकेला उसका नाम सत्य धर्म नहीं है, श्रद्धा करना सत्य धर्म नहीं है, मगर चारित्र की पर्याय को ही हम सत्य धर्म कहेंगे। यानी जो बात सत्य बोलना असत्य नहीं बोलना, वो तो कब का निकल गया, वो तो स्थूल रूप से हुआ था, एकदम स्थूल रूप से। अभी जब बारीकी से मैं देखता हूं तो मैं आत्मा में जाता हूं, तो आत्मा में अनंत गुण है, तो ज्ञान गुण है, उसका नाम का कार्य जानना, दर्शन गुण है, उसका नाम श्रद्धा करना, चारित्र गुण है, वहां वितराग परिणति शांति रूप की पर्याय होती है, उसका नाम सत्य धर्म। चारित्र की पर्याय को हम कहेंगे सत्य धर्म। उत्तम क्षमादि चारित्र गुण की पर्याय है, उत्तम क्षमादि दस दस धर्म जो है वो चारित्र गुण की पर्याय है, इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। चारित्र आत्मा में अनंत गुण होते हैं, अनंत यानी कि कितने, अनंत यानी कि उसका सेपरेट सब्जेक्ट है मगर अनंत, अनंत अभी इतना ख्याल में रखा, अनंत। उसमें से मैं कितने गुण को जानता हूं, मैं तुझे दो कटोरी में दो व्हाइट एडिबल पाउडर देता हूं और मैं तुझे बोलता हूं कि तू मुझे बोल दे कि ये क्या है, तो तू क्या करेगा उसको तय करने का, तू क्या करेगा, एडिबल पाउडर है तो तू चखेगा, चक्कर तूने क्या बोला, ये सॉल्ट ही है, ये शक्कर ही है, इस तरह से तय कर दिया तूने। उसके टेस्ट गुण की पर्याय को जान के तूने बोल दिया कि ये शक्कर ही है और ये सॉल्ट है। वो पुद्गल में कितने गुण है, अनंत गुण है, अनंत को नहीं जाना तूने, प्रयोजनभूत एक टेस्ट गुण को ही जान के तेरे तय कर दिया। इस तरह से आत्मा में अनंत गुण है, इसमें से ज्ञान दर्शन चारित्र अस्तित्व वस्तुत्व आनंद ऐसे 5-7-10 गुण है। ऐसे गुण को मैं जानू तो सारे के सारे आत्मा को मैं जान सकता हूं, मुझे अनंत गुण जानने की जरूरत नहीं है।
इतना मैंने जान लिया ज्ञान दर्शन चरित्र, तो वो तीन गुण मैंने जान लिया तो मेरा कार्य आगे बढ़ने वाला है। और गुण तो अनंत है अंदर, बराबर। तो सच्चे ज्ञान और श्रद्धा से उत्पन्न हुई वितराग परिणति यानी कि चारित्र गुण की परिणति वो निश्चय उत्तम सत्य धर्म है। तो सत्य धर्म को यहां कहां से कहां लेकर आए, वो किस कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, क्या करने का मुनि का, क्या करने का श्रावक, क्या ये सब को छोड़ 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 के आत्मा में आ गए। आत्मा में आके बोला वो जो ज्ञान गुण है उसकी पर्याय भी जानना है, दर्शन गुण है उसके पर्याय श्रद्धा की बात, जो चारित्र की पर्याय है वहां पर सत्य धर्म आता है। तो कितना बारीकी से हमको बाहर से अंदर आना पड़ेगा तभी तो सच्चा सत्य धर्म क्या वो हमको मालूम पड़ेगा। अभी सत्य अर्थात जिसकी सत्ता है, जिस पदार्थ की जिस रूप में सत्ता है उसे ऐसा ही जानना वो सत्य ज्ञान, मानना सत्य श्रद्धा, और वैसा वचन बोलना सत्य वचन हुआ, सत्य वचन हुआ, और आत्मा स्वरूप के सत्य ज्ञान श्रद्धा पूर्व वितराग भाव की उत्पत्ति ही सत्य धर्म है। यहां पर सबका निष्कर्ष आ गया कि मैं कौन हूं, सत्य धर्म क्या है। अकेला बोलना नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, वो सत्य धर्म वो इंपॉर्टेंट है मगर वो एंड नहीं है। इतना ये कितनी आचार्य भगवान ने कितनी बारीक ऐसे ये 10 धर्म हमारे सामने रखे, ऐसे ऐसे जस्ट पूजा करके हम भाग गए ऐसा नहीं है। सत्य समझना पड़ेगा कि ये कितनी बारीक ऐसे हमको ये 10 दिन में प्रभु ने आचार्य भगवान ने हमको टाइम दिया कि तू सोच सोच तू सोच करेगा। श्रीमती ने बोला कर विचार तो पाम, तू सोच करेगा तो तुझे आत्मा की प्राप्ति होगी। तुझे सोचना पड़ेगा, आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। कब? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर तुझे जानना ही पड़ेगा। तो कल से चालू करूं उसकी जगह पर आज से मैं क्यों ना चालू करूं, कैसे करूं, वो सब ऑटोमेटिक डोर्स विल स्टार्ट ओपनिंग फॉर यू। यू नो अभी लोक में जो कुछ है वह सब सत है। हाँ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। आई थिंक कैन आई 10 मिनट्स में 5 मिनट्स जितना करना है। यू नो इफ यू आर टायर्ड देन वी कैन जस्ट डू इसी व्यवहार की बात कर लेते हैं अभी। एक पॉइंट अच्छा, ये पॉइंट अच्छा आता है। लोक में जो कुछ है वो सब सत है, असत कुछ नहीं है। देखो लोक में जो कुछ दिखाता है वो सत्य ही है, सत है। सत्य मीन्स, सत मीन्स एग्जिस्टेंस है। प्रोजेक्टर का एग्जिस्टेंस है, कंप्यूटर का एग्जिस्टेंस है, फोन का एग्जिस्टेंस है। तो उसमें कोई असत बात नहीं है, सत है। अभी मेरी दृष्टि में खराबी है तो मैं बता ये अच्छा नहीं, ये पुराना होगा, टूटा हुआ, अभी उसको निकालो। उसने नहीं बोला कि मैं टूटा फूटा हूं तो मैं खराब हो गया। वो अभी इतना ही काम करता है मगर मेरी दृष्टि में ऐसी खराबी आ गई है। मुझे जॉन्डिस हुआ है तो सभी मुझे पीला दिखाई देता है, तो क्या वो सभी वस्तु पीली हो गई है? मेरी सोच में पीलास आ गई है इसलिए मुझे पीलास दिखाई देती है, मगर वस्तु पीली नहीं, वस्तु तो है ऐसी है। तू भी सत्य, तू भी आत्मा है, शुद्धात्मा है, हम सब शुद्धात्मा है और हम आत्मा है, उद्गल द्रव्य है, वो अपनी ओर से सत्य है। मगर मैं मेरी श्रद्धा में परवस्ता आने से मैं सबको रॉन्ग दृष्टि से देखता हूं, तो वो मेरा असत्य धर्म हुआ। सत्य धर्म के लिए मुझे अपने अंदर देखना पड़ेगा। तो ऐसा तो 10-15 मिनट का है मगर आई थिंक वी विल जस्ट स्टॉप ओवर हियर, वी कैन जस्ट डू व्हाटएवर अदर थिंग वी कैन स्टार्ट। नहीं बस इतना, मतलब कि जो व्यवहार से फिर क्या सत्य बोलना और वचन गुप्ति और भाषा समिति, तो उसकी क्या वैल्यू, हमने को उस तरह से देखना है कि झूठ बोले हैं तो किस तरह के कर्मों का आश्रय हुआ, आपके के पुण्य के आपके ही हुए ना आश्रय, झूठ बोले तो आपके ही आश्रय हुआ है। तो सत्य बोलना
वचन वृत्ति और भाषा समिति में कम से कम अपना कंट्रोल से आप सत्य बोलते हो तो पुण्य कर्म का आश्रम है। उस तरह से अपने को देखना है कि अपना नुकसान और अपना फायदा किसमें है। टैक्स की चोरी, प्रॉपर्टी हजम कर लेते हैं, वो सब झूठ में भी आता है, चोरी में भी आ जाता है। उस तरह से उसको पाप पुण्य के हिसाब से अपने को जो चरित्र में व्यवहार में देखना है उस तरह से देखना है कि मेरा फायदा पाप कर्म के बांधने में नहीं है। और अपने को अंदर से दुख भी होता है जब झूठ बोलते हैं किसी को, मायाचारी भी होती है उसके साथ, वो झूठ बोलने के भी कर्म बंद होते हैं तो नुकसान किसका, क्योंकि अपने को ही भुगतना है जब उदय में आएंगे तो। अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है तो मैं तो कई सारे पाप करता जाऊंगा। हमारी तो डेफिनेशन ऐसे श्राव का था कि ये भी अणुव्रत की बात आई ना तो तत्पद सूत्र में वो जो अणुव्रत का चैप्टर है वो पढ़ लिया। पांचों व्रतों के अतिचार है तो अतिचार से बचना है ताकि उस तरह के कर्मों का बंध ना हो। जब हम मान लें कि हम हमेशा सत्य ही बोले तो जहाँ झूठ बोलना पड़े वहां पर हम मौन हो जाएंगे, या उस समय हम उत्तम का तो जो है वो समय दर्शन के साथ ही जुड़ेगा। उत्तम धर्म अपने शाप का है स्थान से ऊपर, और वचन और उत्तम सत्य धर्म का संबंध नहीं है, वो तो अलग अलग हुआ। वचन तो पुद्गल होगा, सत्य धर्म तो आत्मा में हुआ, चैतन्य में हुआ, तो वो दो एक पुद्गल की बात हुई एक चैतन्य की बात हुई तो अलग अलग होगा। और शावक के लिए अपने लिए वो सत्य बोलना ही अपने लिए उत्तम क्रिया है, उत्तम धर्म नहीं है, उत्तम क्रिया है जो अपने बेनिफिट के लिए। इसने आज एक्चुअली आज जो विधान में ना ये सारी बातें अपन ने अर्घ में करी, वो काले गोरे की बात और वो बात उसमें आई थी आज विधान में। उसमें वो कह रहे हैं कि भी तू अपनी समझ से, वो लाइन था एक कि तू घर जाके एनालाइज करना कि कौन सा सत्य मेरे को बोलने लायक है और कौन सा सत्य छिपाने लायक है। किसी का मन दुख जाए ऐसा सत्य मुझे नहीं बोल, क्योंकि उसमें उसकी फीलिंग्स को हिसाब से बोलना भी पड़ेगा तो ऐसा बोलना चाहिए कि उसको हर्ट नहीं, क्योंकि उसको हर्ट किया यानी उसकी आत्मा की हिंसा की, उस हिंसा का पाप तो अपने को ही भुगतना। अपन छोटे छोटे जीव की हिंसा की बात करते हैं लेकिन एक दूसरे की आत्मा अपने भावों से एक दूसरे के भावों को हर्ट करना, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाती है, कभी सोचो उस बात को कि उसकी मैं फीलिंग्स हर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरे कर्मों के बंधन का क्या हो रहा है, तो मुझे भुगतना पड़ेगा तो वो नहीं आएगा या आएगी साथ में भुगतने के लिए, भुगतना था मुझे अकेले कोई है, तो वो सारी चीजें एकदम सॉल्व हो जाती है बैकग्राउंड में से। अपना बेनिफिट देखो कि मुझे क्या मिल रहा है इसमें, क्योंकि जो आज जो कर रहे हैं अपन वो किसी कर्मों का फल ही तो भुगत रहे हैं ना, कल भी तो भुगतना ही है।
वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो तो वाणी मस्तक नमो सजा दे तुम नौ बार नमो का मंत्र जय जिनेन्द्र। कल का क्या प्रोग्राम किस तरह से कल करीब अबाउट 1:30 विल स्टार्ट स्वाध्याय फॉर टुमारो, वो तो पूजा होगी ना पूजा विल बी गोइंग कल का प्रोग्राम है इनको 11:30 बजे कहीं जाना है ऐसा लग रहा है नहीं जाना नहीं स्वाध्याय में किसको आपको नहीं हमको नहीं रेगुलर स्वाध्याय में पहला 10:30 नहीं भाई जरूरी नहीं कि अपन जो है वो करें कल स्वाध्याय कैंसिल कर देना उनको जिनको पूजा में बैठना तो बैठे किसी को जाना है कि एकता मंदिर तक घूम के हमको कोई जाने वाला नहीं है।